हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, ग्रामीण विकास में इस समय हम लोग लगातार जो है डिटेल क्लासेस में अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पूरी जितनी आपकी जो है योजनाओं से संबंधित जो पृष्ठभूमि रही उसको मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है। आज मैं आपसे योजनाओं में आगे बढ़ने से पहले मैंने बताया था कि पूरी डिटेल बताऊंगा योजनाओं में, जो आपको 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने डिस्कस किया उनमें कौन सी पंचवर्षीय योजना की कौन सी योजना चली और उसका जो है प्रभाव क्या रहा, किसके वजह से चलाई गई, इन सभी मुद्दों पर मुझे चर्चा करनी थी अभी तक के। लेकिन आज उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये चीजें जरूरी लगी कि आपको उन बारे में हर एक पंचायतों जो है जो सारी योजनाएं चली उनसे पहले आपको थोड़ा सा जो है मैं परिचित करा दूं अपने यहां पंचायती राज संस्थाओं से। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इसको समझ लेंगे तो वहां पर जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही जो ग्राम स्तर पर चली, ब्लॉक स्तर पर चली, ठीक है। तो उन सारी चीजों में जैसे अधिकारी गण की बात आती है, कर्मचारी की बात आती है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को जानने से पहले आपको जानना है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तो मुझे यह टॉपिक ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि पहले पंचायती राज संस्थाओं को जान जाओ, भारत में क्या विकास क्रम रहा, उत्तर प्रदेश में क्या क्रम रहा, दोनों को एक साथ में बताऊंगा, ठीक है। जिससे कि ये पॉलिटी का भी आपका हिस्सा है तो अब हम एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पॉलिटी भी यहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ ये देने जा रहे हैं आपका मतलब लेखपाल, तभी ये पूछा जाएगा। भैया ये लोक सेवा आयोग में किसी भी परीक्षा में जाओगे आप, छोटे स्तर के यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में जाओगे, हर जगह ये इससे क्वेश्चन मिलते हैं। यानी टॉपिक बहुत मस्त है, बस पढ़ना ढंग से अपने आप को है। जितना मैं बता रहा हूं उसको उसी अनुसार अपने हिसाब से दिमाग में लगाते जाओ और मस्त होकर पढ़ते जाओ, सुनते जाओ सारी चीजों को, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए भैया तो निःशुल्क प्रोग्राम के अंतर्गत सारे लोग रजिस्टर कर लो, ठीक है। ना बहुत ज्यादा चीजें सोचनी है और ना कुछ दिमाग लगाना है। 10+ कोर्सेज यानी लगभग 10+ कोर्सेज को हम कवर करने वाले हैं। वैकेंसियां बंपर आने वाली हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। तो तैयारी जो है आपकी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मैं क्या कहता हूं, सफलता हमेशा पहले की तैयारी से मिलती है। तत्काल तैयारी कभी आज तक किसी को सफल नहीं बनाई है कि आपको ऐसा मुंह धोके उठे कि जो है अगले महीने परीक्षा है और किताब ले आए भैया, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या होता है, क्योंकि पिताजी को बताना होता है परीक्षा में आपके कि लड़का परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जानते होंगे ना, गांव में, हमारे गांव में है कुछ ऐसे लोग जो बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि परीक्षा हो पाए, ठीक है, शादी हो पाए। वैसा काम मत करना, ठीक है। यहां क्या करना है, ढंग से पढ़ना है, एक नौकरी लेनी है, टीम के साथ मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है। जितने लेक्चर जा रहे हैं इसको ढंग से पढ़ो, इसको पूरी तरीके से अपने मना मस्तिष्क में बिठाओ, आपको समय लगेगा, ठीक है। इतनी भी चीजें आसान नहीं होती हैं कि आपने एक बार देखा और लगा आपको कि हम तीर मार दिए। एक बार लेक्चर पढ़िए, उसके बाद नोट्स जाती है, नोट्स को ढंग से पढ़िए, ठीक है, उसी दिन पढ़िए। भले ही आप मोबाइल पर ही पढ़ रहे लेकिन उसी दिन उसको पढ़िए तत्काल रूप से। इसीलिए डे बाई डे तौर पर आपको नोट्स दे दी जाती है ताकि उसका फायदा मिले। जो लोग अभी तक नोट्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, पीडीएफ के लिए एडमिशन नहीं लिए हैं, भैया कुछ सोचना नहीं है। 499 रुपए है, इतना भी महंगा नहीं है चीजें कि आपको लगे नहीं लॉकडाउन में बहुत महंगा है। 150 रुपए महीने के हिसाब से 4 या 5 क्लासेस चलती, सभी की नोट्स जाएगी, ठीक है। प्रिंटेबल फॉर्म में होती है, अच्छी पीडीएफ होती है, जानकारियां काफी हैं, ले लो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। भटकने से अच्छा है किसी का जाओगे कोर्स परचेज करोगे, ठीक है, वहां क्वालिटी देख लो जो हम लोग दे रहे हैं और वो जो बंदा देगा, पहले क्वालिटी कंपेयर कर लो फिर आ जाओ। देर नहीं है, देखो जितना भटकाव लाओगे जिंदगी उतनी उलझती चली जाती है। अब वो समय नहीं रहा आप लोगों के पास कि अच्छा अभी हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं तो अब हम कोचिंग में ट्रायल मारेंगे। अब नौकरी की जद्दोजहद है, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि आपको जो है एकदम मार करके नौकरी लेनी है। इसलिए अपने आप को तुरंत काबिल बनाओ, ज्यादा सोच और उसमें जांच पड़ताल में लगोगे, ठीक है, अगर इनकी कमियां देखोगे उनकी कमियां देखोगे तब तो हो गया सब। आगे बढ़ते हैं, जो चीजें हैं आज हमें पढ़नी, आज हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज आप जानते हैं यह जो प्रणाली है, ठीक है,
ये जो पंचायती राज व्यवस्था रही, पंचायती राज प्रणाली भारत में लागू करने को लेकर बहुत तमाम जो है प्रयास हुए, ठीक, लेकिन भैया ये अंतिम रूप से सफल होने में बहुत समय लगा। और जब आप बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, मतलब देश में एक से लेकर 73वें संविधान संशोधन तक की नौबत पहुंची, तब पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। पंचायती राज प्रणाली क्या है? भारत गांवों का देश है, गांवों में एक ऐसी आपकी जो है संरचनात्मक व्यवस्था थी पहले, जो हर एक स्तर के कार्यों को बहुत अच्छे से मूल्यांकित करती थी, चाहे वह कार्य न्याय से संबंधित हो, किसी का हक हो, किसी का अधिकार हो, किसी को कोई फैसला चाहिए, उसके लिए पंचायतें होती थी, पंचायतों में पंच होते थे, पंच में सरपंच भी होते थे जो न्याय से संबंधित कार्य देखते थे, ग्राम पंचायत में मुखिया होते थे, प्रधान होते थे जो विकास कार्यों को देखते थे, तालाब कहां पर होना चाहिए, कब्रिस्तान कहां पर होनी चाहिए, श्मशान कहां पर होना चाहिए, ठीक है, कहां की जमीन जो है ग्राम समाज होनी चाहिए, किसको पट्टा देना है, यह सब कार्य पूरे बटे हुए थे। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी पहले, उसी व्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद इसके सबसे बड़े जो पक्षधर बने वह गांधी जी थे। गांधी जी ग्राम पंचायतों की भूमिका को बहुत अहम मानते थे और वह चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में वह बुनियादी नींव जो हमारी बहुत पहले से पड़ी है, ठीक है, गांव के देश के रूप में जो हम अभ्यस्त थे, तो उनमें ये चीजें थी कि गांवों का जो मामला है, गांवों के विकास से संबंधित जो कार्य है, वह स्थानीय स्तर पर वहीं के लोगों के हाथों में सुपुर्द किया जाए, ठीक है। जब अंग्रेजों में आपने, मैं आपको समझा रहा था, तो उस दौरान मैंने बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने अधीन किया, यानी केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई, उसके बाद वहां पर विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो भारत में जब आजादी मिली 1947 में, तो सबसे पहले हमें यह कार्य जरूर करना था कि हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़े, यानी जो सत्ता है तो अपने यहां आप केंद्र सरकार के स्तर पर देख लो, चाहे आप केंद्र का स्तर देखोगे, ठीक है, चाहे आप राज्य का स्तर देखोगे और चाहे आप एक गांव का स्तर देखोगे, हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, त्रिस्तरीय प्रणाली आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। अपने यहां इस तरीके से शासन, एक गवर्नमेंट केंद्र में है, एक गवर्नमेंट आपके राज्यों में है, एक गांव लेवल के स्तर पर है, यानी जिसको आप जिला लेवल पर बोल सकते हैं, यानी यह पूरा का पूरा प्रणाली ऐसे आपको देखने को मिलता है। इसको और अच्छे से समझना हो तो आप आ जाओ गांव स्तर में, तो गांव स्तर में सबसे पहले ग्राम जो है स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती, फिर न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत होती, यह प्रक्रिया अपने यहां चलती है। यानी हर एक चीजें क्या है, एक पायदान के अंतर्गत सारी व्यवस्थाओं को रखा गया है, जिससे कि विकास की भूमिका में हर व्यक्ति का योगदान क्या हो, प्रबल हो, समझे, उसके अंदर भी ये इच्छा जागृत हो कि हम भी अपने गांव से संबंधित कार्यों में भाग लें। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना इसका बहुत लक्ष्य यह रहा कि भारत में हर एक व्यक्ति विकास के कार्यों से जुड़े, और उसके लिए जरूरी था स्थानीय स्वशासन। इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गांवों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके शहरों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं को लागू किया गया, यानी स्थानीय स्वशासन ग्राम स्तर पर और शहरी प्रशासन दोनों को कैसे स्वायत्तता देनी है, इन दोनों का निर्धारण संविधान संशोधन के जरिए होता है। यह प्रक्रिया इतनी लंबी चलती गई कि पहले संविधान से संशोधन से लेकर 73वें और 74वें तक नौबत पहुंच गई। हमने अनुच्छेद 40 में तो लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्थानीय स्वशासन के बारे में बहुत सारी चीजें यहां लागू नहीं की गई, तो बहुत सारे प्रयास हुए। उसके बाद पंचायती राज जो है भारत में आया। पंचायती राज के पीछे आने का उद्देश्य जो है भैया, सबसे पहले जब आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में मैं आपको ऋग्वैदिक काल से संबंधित जब चीजें पढ़ा रहा था, तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, यही एक ऐसी चीज है जिसके साक्ष्य हमें जो है ऋग्वेद में मिले हैं, जहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें सभा और समिति के बारे में जानना होता है कि पहले सभा और समिति नाम की संस्थाएं होती थी, इन संस्थाओं का कार्य जो है बहुत अलग अलग था और बहुत ही व्यापक होता था। ऋग्वेद में ये दोनों चीजें पढ़ने मिलती, तो इन्हीं का जिस अनुसार ग्रामीण भारत में प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो सभा और समिति जैसी संस्थाएं संभालती थी,
इसका जब संदर्भ हमें ऋग्वेद से मिलता है, मतलब ईसा पूर्व आप समझ सकते हो 1500 की चीजें हैं, तो वहां से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों में अगर इसका प्रादुर्भाव एक व्यापक तौर पर ना हो तो चीजें हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपनी पुरातन जो है, जो एक तरीके से मान सकते हो प्रक्रियाएं, उनको हम छोड़ते चले आ रहे हैं। इसकी मांग बहुत ज्यादा गांधी जी के द्वारा की गई, जिसके तौर पर आप देख रहे हो कि भारत को चूंकि एक कल्याणकारी राज्य भी बनाना है, तो कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निदेशक तत्वों का आना हुआ। नीति निदेशक तत्व आए तो नीति निदेशक तत्वों में विभिन्न सिद्धांतों का आना हुआ, विभिन्न सिद्धांत आए तो वो सिद्धांतों में कल्याण के हेतु राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य कल्याण के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं करेंगे, और उनसे पहले स्थानीय स्वशासन के माध्यम से छोटे छोटे जो आपके मतलब स्वायत्त संस्थाएं हैं इनको पावर दी गई। तो पूरा का पूरा जो खाका रहा उसको बहुत ढंग से समझते चलना है। मैं जितनी बातें कह रहा हूं ठीक है, वो भूमिका के तौर पर थी, अब मैं एक एक स्टेप आपको लेकर आगे चलता हूं, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं भारत में पंचायती राज प्रणाली का आना कैसे रहा, ठीक है, गांव स्तर पर कैसे आना रहा, शहर स्तर पर कैसे आना रहा। उसके बाद मैं आपको दोनों के कार्यों को जिक्र करूंगा, दोनों के कार्यों को जिक्र करने के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का प्रभाव कैसा कैसा दिखता है इसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत ढंग से सुनना है, आराम से एकदम मस्त होकर पढ़ते रहो, ठीक है, अपने आप को एक जगह केंद्रित रखो, सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। देखो भारत में पंचायती राज व्यवस्था संरचना और विशेषताएं मैंने टॉपिक के तौर पर यहां लिया है, अब इसको आपको समझना है। यहां दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसकी संरचना कैसी है पंचायती राज व्यवस्था की, और दूसरी चीज जब संरचना ऐसी है तो संरचना के कार्यों की वजह से इसकी विशेषता क्या बनती है, फीचर्स इसके क्या है, आखिर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके फीचर क्या है, यानी कौन से ऐसे विशेष कार्य के लिए इसको बना दिया गया कि इसको संविधान में भी कहना जरूरी था और संविधान संशोधन के जरिए व्यवस्थित करना भी जरूरी बना, उन फीचर्स पर भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं अगर इस राज्य व्यवस्था के संक्षिप्त इतिहास यानी ग्राम पंचायतों के अतीत से वर्तमान पर नजर डालेंगे आज, कि अतीत हमारा जो था उस अतीत में ग्राम पंचायतों की दशा कैसी थी और आज वर्तमान में ग्राम पंचायतों की दशा कैसी है। अगर भारत का प्राचीनतम जो उपलब्ध साक्ष्य है, ग्रंथ है, जो ऋग्वेद है, इसमें सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनैतिक उथल पुथलों के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्त शासी इकाइयां, स्वायत्त शासी मतलब एकदम फ्री होकर जो कार्य करे, लोग जिनको आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के तौर पर भी बोलते हैं। पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक है, मैंने बताया ना भारत गांवों का देश है, गांवों का विकास आज से नहीं भैया, जब से हमारी सभ्यताएं चल रही तब से हमारी ग्रामीण व्यवस्था बहुत ही जो है अच्छी स्तर पर एक दूसरे से गुथी हुई थी, ठीक है। अब समझिए आगे, वर्तमान में हमारे देश में 251,000 ठीक है पंचायतें हैं, जिनमें 2.29 लाख ग्राम पंचायतें, 6,904 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें शामिल है, ठीक है। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि इस समय मौजूद हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, ध्यान रखना 24 अप्रैल 1992 से यह व्यवस्था मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी पंचायतों को लेकर इसके बहुत बड़े हिमायती थे, ठीक है, इन्होंने पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। स्वतंत्रता के बाद से समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए, अलग अलग हर बार कई कोई ना कोई मुद्दा आता रहा, पंचायती राज संस्थाओं का मामला रिझता रहा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप प्राप्त हुआ, यानी इसको एक संवैधानिक स्थिति मिल जाती है। अब क्या होता है, अधिनियम का जो उद्देश्य रहा पंचायती राज संस्थाओं का, यह त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं को लाना रहा। इससे पहले इतनी सारी जो है अलग अलग समितियों को बनाया गया, कोई समिति बोलती थी जो है दो स्तरीय रखिए, कोई चार स्तरीय बोलती थी, कोई त्रिस्तरीय बोलती थी, तो जो ढांचा सबसे बेस्ट रहा शासन का, स्थानीय शासन का, उसको अपनाया गया और भारत में
पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, प्रदान किया गया। कैसे कैसे? ग्राम जो है स्तरीय पंचायत सबसे पहले आती है, उसके बाद प्रखंड यानी जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत होती है वे होता है, और उसके बाद तीसरा जो स्तर होता है ये जिला स्तर पर होता है, यानी जिसको आप जिला स्तरीय पंचायत बोलते हैं। ये तीन व्यवस्थाएं अपने यहां ग्राम स्तर पर आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से स्थानीय स्वशासन भी मान सकते हो। अब इसी में जब आप और अंदर घुसोगे तो वहां पर भी त्रिस्तरीय डिवाइड हो जाएगा। मैंने बताया ना, केंद्र से लेकर यहां तक देख लो, छोटे स्तर देख लो, हर जगह त्रिस्तरीय व्यवस्था आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब 73वें संविधान जो संशोधन अधिनियम है, इसकी फीचर्स देख लो भैया, क्या क्या इसके माध्यम से किया गया। 73वें संविधान संशोधन, ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती और वैसे काम कर सकती जैसा कि राज्य विधानमंडल, समझो यहां कितनी बड़ी पावर दी गई, जैसा कि राज्य विधानमंडल को कानून दिया जा सकता है, समझे, राज्य विधानमंडल को कानून के द्वारा जो पावर दिया जा सकता, वही चीज ग्राम के स्तर पर जो ग्राम सभा होती है उसको पावर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी, प्रावधानों के अनुरूप, इसमें जैसे प्रावधान किए गए 73वें संविधान संशोधन में, प्रावधानों के अनुरूप ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा, ऐसा किया गया। मतलब कि ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती और जिला स्तर, हर जगह पर पंचायत बनेंगी, तीनों जगह पर, ठीक है। यानी एक ग्राम पंचायत बनेगी, फिर एक मध्य स्तर पर आपकी पंचायत, जैसे ब्लॉक वाला हो गया, या जिसको आप क्या समझ सकते हैं, क्षेत्र पंचायत, न्याय पंचायत बोल देते हैं, और जिला पंचायत आती है, ठीक है। ये तीन स्तर बनाए गए। अगली चीज, एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, 20 लाख से अगर अधिक आबादी है तो वहां पर पंचायत का गठन नहीं होगा। आगे बढ़िए, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। हम प्रधान को डायरेक्ट चुनते हैं भाई, जो वार्ड के मेंबर होते हैं उनको भी ऐसे ही चुनते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात जो साध्य हो, मतलब जो आपका आए और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो, ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। अगली चीज समझो, राज्य का जो विधानमंडल है, कानून द्वारा पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। राज्य का विधानमंडल वहां पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है भैया, अगली चीज ये समझो, क्योंकि अपने यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, ठीक है, यहां पर, और अनुच्छेद 16 के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान इसी के अंतर्गत है। हालांकि जितने तरीके के आरक्षण है अपने यहां वो अनुच्छेद 14 में, अब आप कहोगे अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार देता है, तो सर जी ये 14 कैसे बोल सकते हो? भैया 14 में कैटेगरियां बनी है, समानता का अधिकार बहुत व्यापक है, उसको जब आप समझोगे तब आप समझ पाओगे। समानता, ये बताओ आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि जो व्यक्ति दबे कुचले हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, जो अपना विकास नहीं कर पाए, वो विकास करके समाज में सभी के समान स्तर पर आए, तो समानता का अधिकार नहीं। भारत में जितने तरीके के आरक्षण है, कुछ भी हैं, वो सब के सब क्या है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं। सब जो क्लास बनाए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें दी जाती, क्योंकि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर समझो अनुच्छेद 243 जो आपका डी है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। पूछता है, बहुत बार पूछा है किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल 243 डी, प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, एससी और एसटी जिसको बोलते हैं, कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल आरक्षित सीटों के एक तिहाई से कम नहीं होगा। यह पूछा है, 1/3 होती है महिलाओं के लिए, ठीक है। पूछता है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए या अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट रिजर्व होती है, तो एक तिहाई, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण और अच्छे से समझ लो, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए, यानी एक तिहाई वहां पर आरक्षित करना कंपलसरी है, समझे।
अब समझो, इसे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भरा जाता और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान बनाया गया। अब अध्यक्ष का जो कार्यकाल कार्यालय होगा उसमें आरक्षण कैसे कैसे आप देखोगे, समझिए इस चीज को। जो अध्यक्षों के कार्यालय होते हैं सभी के, जो ग्राम स्तर पर हुआ, जिला स्तर पर हुआ, ठीक, इसको समझिए। गांव या किसी भी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल में कानून के अनुसार ही होगा, जैसा है एक तिहाई उसी अनुसार सारी चीजें चलती हैं। अब आप समझिए, इसमें जो सदस्य बनाए गए, ग्राम जो आपकी पंचायत हुई, जिला पंचायत हुई, ब्लॉक पंचायत हुई, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, ये सब कुछ जो बनाए जाते हैं, इनकी अयोग्यता कैसे, इनको हम कैसे नहीं मानेंगे, ठीक है, कि ये इस पद के दावेदार नहीं है, इस पद के योग्य नहीं है। दिमाग यहां पर लगाइए कि कोई भी व्यक्ति है, ये पूछता भी है, किसी भी व्यक्ति को पंचायत की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाएगा अगर उसे संबंधित राज्य का विधानमंडल आयोग जो है अयोग्य कर दे, तब उसको अयोग्य समझेंगे, या चुनावी उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए कानून अयोग्य घोषित कर देता है, और अगर उसे इस प्रकार के राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर अयोग्य घोषित किया गया हो तो वह व्यक्ति सदस्य के लिए अयोग्य होगा, समझ गए। तो यानी बहुत बड़ी चीजें हैं, राज्य विधानमंडल उसको जब करेगा, मतलब प्रोसीजर बड़ा हो गया। अगली चीज समझो, पंचायतों की शक्तियां क्या है, इनके अधिकार क्या है और इनकी जिम्मेदारियां क्या है, तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इनके अधिकार से भी सवाल पूछेगा, शक्ति से भी सवाल पूछता है और जिम्मेदारियों से। मैंने बताया ना कि ये सिर्फ राजस्व लेखपाल को लेकर नहीं पढ़ना है, ये सब टॉपिक ऐसे हैं किसी भी परीक्षा में जाओगे भैया पूछता है और पूछेगा, ठीक है, ये पूछता है और पूछेगा, यानी इसका भविष्य तय है, तो इसलिए आपको इसके भविष्य के अनुसार अपनी तैयारी देनी है। ध्यान रखिए, राज्य विधानमंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके वे पंचायतों को स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने हेतु सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। कौन? राज्य विधानमंडल शक्तियां और अधिकार प्राप्त जो है देते हैं उन्हें। उन्हें आर्थिक विकास, मतलब जितनी एक्टिविटी होती है अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्राम पंचायतों की, मैंने बताया भी इससे पहले, ठीक है, और सामाजिक न्याय के लिए, हमारा तो मेन उद्देश्य यही है ना, हम कल्याणकारी राज्य के लिए सब कुछ करते, उसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने, उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत के स्तर पर कितनी छोटी चीज है, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कर लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार भी होता है, टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायतें। एक राज्य कानून द्वारा पंचायत को कर लगाने और उचित करो, शुल्कों, टोल फीस आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करो आदि को पंचायत को आवंटित भी कर सकती है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है। यह सवाल पूछा है कि क्या राज्य की संचित निधि से पंचायतों को जो है अनुदान सहायता दी जा सकती है या नहीं। अनुदान दिया जा सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये जब हम बात करने लगते हैं कि आर्थिक विकास होना चाहिए, तो आर्थिक विकास के लिए पंचायतों में एक वित्त आयोग बनाया गया, पंचायत वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंस होना ही चाहिए, जरूरी है। तो पंचायत वित्त आयोग में क्या प्रावधान किए गए, जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके एक वर्ष के भीतर ही 73वें संविधान संशोधन 1952 जो है 92, मतलब यह कानून जैसे लागू हुआ, अधिनियम संविधान नहीं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, यहां सिर्फ वित्त आयोग, तो ये जो वित्त आयोग है ये बात वही की कर रहा है जो संविधान के लागू होने के जो है पश्चात गठन किया गया था। तो वित्त आयोग तो चूंकि संविधान में वर्णित संस्था है तो इसका गठन हुआ था, ठीक है। अपने यहां दूसरी चीज यह समझना है, भारत में शहरी स्थानीय निकाय क्या है, हम तो ग्राम स्तर पर देख लिए कि एक जो है ग्राम स्तर पर होगा, एक आपका जिला स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा जिसको आप प्रखंड बोलते हो, और एक आपका जिला स्तर पर होता है। तीन स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, जिला पंचायत चुनाव जानते ही जानते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख ही जानते ही हैं, ब्लॉक का प्रमुख होता है, अब आप लोग तो जानते ही होंगे। तो वो सब क्या होते हैं, वो इन्हीं के कार्यों को तो देखते हैं, ब्लॉक पर पूरी चीजें यही तो चलती हैं, ग्राम पर आपका प्रधान हो गया तो मेन प्रधान हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया और जिला पंचायत हो गया,
ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं, सदस्य चुनाव लड़ते हैं, समझे कि नहीं, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद शहरों में बात करते हैं, तो शहरों में जब आ जाते हैं तो यहाँ जो है जहाँ छोटी चीजें वहां नगर पालिका है, ठीक है, तो मेयर वगैरह, नगर पालिका का चेयरमैन हो गया, मेयर वगैरह, इन सबके चुनाव होते हैं। तो अब शहरों वाला समझ लो, ग्राम स्तर वाला समझ गए, ठीक है, तीनों प्रक्रिया आप अपने दिमाग में सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये, चूंकि आप लोग जो है ब्लॉक वगैरह तो अधिकतर काम लगते रहते हैं तो वहां तक पहुंचे हुए हैं। देखिए, भारत में शहरी स्थानीय निकाय क्या क्या है, समझिए इस चीज को। समकालीन समय में जैसे ही शहरीकरण शुरू हुआ और वर्तमान में इसका तेजी से विकास हो रहा, शहरी शासन की आवश्यकता अनिवार्य है, जो ब्रिटिश काल से धीरे धीरे विकसित हो रही है और स्वतंत्रता के बाद इसने आधुनिक जो है आकार ले लिया। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। अब हमें बहुत अच्छे से समझना है कि 74वें संविधान जो संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही, इसको अब हमें समझना है। समझिए भैया, पहला इसमें क्या बोल रहा, प्रत्येक राज्य में इनका गठन किया जाना चाहिए, शहरी निकाय बता रहा हूं, ठीक है, शहरी निकाय में समझो तीन स्तर कौन कौन से बनते हैं। पहला इसमें जो स्तर बनता है शहरी निकाय में, यह होता है नगर पंचायत बनती है सबसे पहले शहर के लेवल पर। दूसरी चीज, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद बनती है। तीसरी चीज, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम बनते हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, तीन जो है यहां पर स्तर बनाए जाते हैं, तीन इनके स्तर हमें देखने को मिलते हैं। नगर पालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने वाले नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा। वार्ड मेंबर ही चुनाव लड़ते भी हैं, कुछ लोग तो लड़ भी चुके होंगे आप में से, ठीक है, या आपके घरों में से लोग लड़ चुके होंगे। तो वार्ड मेंबर होते हैं और नगर पालिका की जितनी सीटें होती हैं जो वार्ड वाइज डिवाइड होती हैं, वहां पर उनके वार्ड मेंबर का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। अगली चीज, राज्य का विधानमंडल जो होगा ये विधि द्वारा, ये मतलब लॉ के द्वारा, नगर पालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधान परिषद के सदस्यों को नगर पालिका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और समितियों के अध्यक्ष के रूप में, समझ गए। इन सारी चीजों का प्रोसीजर कौन तैयार करता है, यह तैयार करता है आपका राज्य का विधानमंडल, ठीक है, जो वहां का जो है आपका क्या होगा, सांसद होता है, जो आपका विधायक होता है, इन लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है। ऐसा नहीं है कि जिला पंचायत जो है अध्यक्ष हो गया बस वहीं सब कुछ हो गया, सांसद भी उसमें होगा, विधायक भी आपका होता है। इन सारी चीजों को जब और अच्छे से बताऊंगा तब वहां पर और डिस्कस। चलिए अब देखते हैं, यानी वार्ड समिति का गठन यह आपके शहरी स्थानीय स्वशासन के स्तर पर जरूर होना चाहिए। अगली चीज, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। ग्राम पंचायत में भी आपने देखा, ग्राम स्तर पर भी वहां पर भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान था, यहां पर भी एससी और एसटी जो आपके जो है इनसे संबंधित आपकी महिलाएं हैं उनके लिए, मतलब जनजातियां हैं, इन जनजातियों से संबंधित सीटें आरक्षित होंगी। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए एक तिहाई होना कंपलसरी है, ये चीजें हर जगह चलती हैं, चाहे आपकी ग्राम स्तर पर है चाहे शहर स्तर पर है। राज्य विद द्वारा नगर पालिकाओं को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस वाले संस्थानों के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने हुए अनिवार्य शक्तियों और अधिकार प्रदान कर सकता है, देता ही है, जाहिर सी बात है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से एकत्र करने का प्राधिकृत कर सकता है, तो ये करता ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार कर सके। ये कौन करता आपका, ये सारी चीजें आपकी जो है जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति के द्वारा किया जाता, जिला नियोजन, ठीक है, मतलब जो भी विकास कार्य से संबंधित चीजें होंगी वो नियोजन समिति को जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान कर सकता है। महानगर जो आप पढ़ते भी हैं, अब शहरी जो आपके स्थानीय निकाय है, मतलब जो आपके जो है यहां पर जो है आपके लोकल गवर्नेंस बोल सकते हैं, लोकल गवर्नेंस बॉडी शहर के स्तर पर क्या क्या होती है इनको समझ लो, कितने स्तर की, क्या जो हम नगर पालिका नगर परिषद जानते यही होती है, क्या और कोई भी विशेष जो है
व्यवस्था होती है जिसको अलग नाम देते हैं। तो इसी को समझना है भैया। एक चीज आप यह जान लो, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है, शहर क्षेत्र समिति टाउन एरिया कमेटी जिसको आप बोलते हैं होती है, छावनी बोर्ड होता है जहां जो एरिया आपकी आर्मी के अंडर में आता है उसको छावनी बोर्ड बोलते हैं, टाउनशिप होता है, पोर्ट ट्रस्ट बनाते हैं, विशेष प्रयोजन एजेंसी होती है, ठीक है। ये इतने 8 प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी स्थानीय स्वशासन में शहरों के स्तर पर। ध्यान रखिएगा केवल 3 नहीं 8 प्रकार की होती है। इनमें जो व्यवस्थाएं चलती वह प्रक्रिया की वही स्तर पूरा चलता है त्रिस्तरीय, समझे। ये 8 तरीके के प्रकार हो सकते हैं स्थानीय स्वशासन के। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम से ऐसा लगता है कि देश के हर गांव या जिले का अपना एक मुख्यमंत्री है जो अपने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकता है। अब हर राज्य में पता नहीं कितने गांव है, उसमें हर जगह तो पहुंच नहीं सकता मुख्यमंत्री। इसी के लिए क्या किया गया, डीएम होता है राज्य का, ठीक है, राज्य का आपका क्या होता है, हर जगह पर पूरा एक राजस्व प्रशासन बैठता, प्रशासनिक अलग होता, सारी चीजें अलग अलग बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान पढ़ लेते हैं। पंचायतों के गठन में जब पूछेगा, ठीक है, तो 243 भी इसके लिए प्रावधान करता है, 243 डी भी मैंने बताया था, याद होगा तो जानते होंगे। ये ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर प्रावधान करता है, जहां पर 20 लाख से कम है जनसंख्या वहां पर पंचायत का गठन नहीं होता है, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती, मध्यवर्ती पंचायत बीच में होती और जिला पंचायत जो है जिला स्तर पर होती। अब पंचायतों की संरचना आप समझ लो कैसे कैसे होती है, ठीक है। पंचायतों की संरचना भैया जो होती है 243 सी के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है, का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रधान को चुनते हो ना आप लोग, तथा मध्यवर्ती पंचायत जो है जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा चुने सदस्यों के द्वारा होता है। मतलब जो जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो कौन करता, जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा। अगली चीज, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीत के अनुसार की जाएगी। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है, मतलब इसको जोड़ दिया गया बीच वाले में। आगे बढ़ते हैं, जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा, तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का ही सदस्य होगा। उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते ही होते हैं, यह ध्यान रखना, पूछता है, पूछा है भी है, ठीक है, लोक सेवा आयोग उसमें पीसीएस में भी यह आया है। तो क्या होता है, उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के पंचायत जो है सदस्य होते, तथा राज्यसभा और विधानसभा दोनों को याद रखना के सदस्य जहां पर पंजीकृत हैं, ठीक है, वह उस क्षेत्र के वो क्या होंगे, मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। पंचायत के अध्यक्ष सांसद विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है, समझे, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो सदस्यों को मैंने बताया ये लोक सेवा आयोग भी पूछा है प्री में। अब स्थानों का जो आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण 243 डी के अनुसार होता है। पंचायतों में अनुसूचित जात जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होते उनकी जनसंख्या के अनुपात में होते हैं, ठीक है। अगर जनजाति की जनसंख्या का 20% है, मतलब अगर जो जनजाति है वो पूरी जनसंख्या जितनी है उसका 20%, तो स्थान भी 20% आरक्षित होगा, जितनी उसकी जनसंख्या उतना स्थान होता है, तथा यह स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे, ऐसे नहीं कि बहुत बढ़ जाए तो बहुत ही कर दो। इसी तरह 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तथा प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पद कुल संख्या का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। अगली चीज, यह आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा, तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी समय पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा, और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होती है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, अब वहां आप जानते हैं क्यों नहीं लागू है। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने 50% आरक्षण देने की मंजूरी कर दी। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में
50% आरक्षण दिया जाएगा तथा बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। यह पूछा है किस राज्य ने दिया है, तो बिहार है। पंचायतों के अनिवार्य कार्य क्या है, मैंने शहरों से संबंधित तो बता दिया आपको। अब पंचायतों के अनिवार्य कार्य में क्या क्या आते हैं, पेयजल की व्यवस्था करना, ठीक है, यह कार्य है आपका। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना, यह भी कार्य है। अगली चीज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की जो है रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था, यह भी कार्य है। सड़कें व नालियां बनवाना, हार्ट जो होना चाहिए, हार्ट में बाजारों का प्रबंध करना, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, जिसको ग्राम समाज भूमि बोलते हो, उस पर कुछ भी हो सकता है, मेले लग सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करना, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता देना, कृषि एवं भूमि का विकास करवाना, ग्रामीण विकास के कार्यों को सहयोग प्रदान करना। पंचायतों के शैक्षिक कार्य क्या क्या है इनको समझ लो, मतलब जो अपने हिसाब से वो करती है। कोई भी पंचायत है पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना कर सकती है, ये स्वैच्छिक है। सड़कों के किनारे पौधारोपण करवा सकती है, मनोरंजन के साधनों का प्रबंध कर सकती है, प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुंचा सकती है, रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंध कर सकती है। यह सब कुछ पंचायतों के स्वैच्छिक कार्य, वो चाहे तो करे, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब विकासात्मक कार्य अगर देखें कि ये विकास को लेकर क्या क्या पंचायतें कार्य करती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्य को 11वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, ठीक है। पहली चीज क्या है पंचायतों की, जो आपकी क्या है 11वीं अनुसूची में आर्थिक विकास से जुड़े कार्य है, इनमें भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन है। दूसरी चीज सिंचाई का प्रबंध करना है। तीसरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना है। चौथी चीज लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना, इसी का कार्य है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। ग्राम पंचायत निधि कोष क्या होता है इसको जान लो, ग्राम पंचायत निधि कोष क्या है समझिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कुछ होता है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा जोखा है, इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से होता है, ठीक है। अब न्याय पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के बाद न्याय पंचायत जान लो। ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई। प्रायः 3-4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होती है, आप भी जानते होंगे, ठीक। आपका जो न्याय पंचायत क्षेत्र होगा, ठीक, उसमें 3-4 गांव मिक्स होकर बने होंगे एक न्याय पंचायत क्षेत्र। जैसे आप लिखते हो कि जैसे ये फला ग्राम पंचायत, तो न्याय क्षेत्र वहां लिखा जाता है न्याय क्षेत्र ये, ठीक है, फला गांव। एक कोई गांव होता है उस गांव में न्याय जो है पंचायत बनाएगी, तो उस न्याय पंचायत के अंतर्गत उसके आसपास के 4-5 जो है गांव को उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। न्याय पंचायत क्षेत्र लिखते हैं आप, न्याय पंचायत क्षेत्र फला, ग्राम पंचायत ये न्याय पंचायत क्षेत्र फला, ठीक है, ये लिखते हैं आप। तो जिसके कुछ सदस्य मनोनीत तथा कुछ निर्वाचन पंचायतों के द्वारा होगा, ठीक है। इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों तक सीमित होती है तथा दंड स्वरूप यह केवल 50 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकती है, मतलब जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। पंचायत क्षेत्र समिति क्या होती, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य पंचायत समितियों का गठन किया गया, जो ग्राम व जिला स्तर के बीच में संबंध बना सके। ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के अध्यक्ष वो सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। न्याय पंचायत मैंने बताया नहीं, पंच होते, सरपंच होते। इन समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता तथा समय पूर्व भी भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य। अब पंचायत क्षेत्र या समिति के कार्य को अगर देखें कि पंचायत क्षेत्र का कार्य क्या है, समिति का कार्य क्या है, तो वो चीजें हैं ग्रामीण विकास के कार्य और कार्यक्रम जो है इनका क्रियान्वयन करें, मूल्यांकन करें, बीज केंद्रों का संचालन करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करें, वितरण तथा गोदामों का निरीक्षण करें, कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था, मतलब लिखा बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं आप भी जानते हैं। कुटीर तथा लघु गृह उद्योगों का विकास करें, शौचालयों का निर्माण करें, गोबर गैस धुआं रहित चूल्हों का वितरण करें, कीटनाशक दवाओं का वितरण। पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्रोतों में अगर देखा जाए कहां कहां से इसको आय मिलती है, तो राज्य सरकार से स्थानीय कर लगा के इसको मिलता है, मंडियों से दान व चंदे, जिला पंचायत द्वारा दिया गया जो तदर्थ अनुदान होता है वो सब होता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत जो कर लगाती है वो घाट एवं मेले से जो आय होती है वो सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि। अब ये पंचायत और इन सभी के बारे में बात करेंगे अगले आपके नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक मस्त होकर पढ़िए, इसको समझिए अच्छे से, बहुत जरूरी टॉपिक है भैया, ठीक है। ढंग से पढ़ लिया तो इससे जो है आने वाले परीक्षाओं में कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है क्वालिटी में।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।